6th May. By the way, it's our wedding anniversary. और आज हम लोग जा रहे हैं उदयपुर. तो अहमदाबाद से उदयपुर का रास्ता आई थिंक 4 to 5 hours का. इट इज़ अराउंड 250 kilometers. तो हम लोग दोपहर तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे. सो उदयपुर वी आर गोइंग टू स्टे फॉर 2 nights और उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं आबू. सो दिस व्लॉग इज रियली गोइंग टू बी सुपर अमेजिंग एंड आई नो यू विल एन्जॉय इट अ लॉट, क्योंकि हमने जो भी रिसॉर्ट्स बुक किए हैं दे आर अमेजिंग. सो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर दैट. एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल तो प्लीज़ उसे जरूर सब्सक्राइब करें. हाँ, ये कर लो पहले. वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज उसे जरूर लाइक करें. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. और हम लोग लंच के लिए यहाँ पे आए हैं. तो यहाँ से हम लोग लंच करेंगे और उसके बाद लाइक 150 किलोमीटर जितना बाकी रहेगा. तो हम लोग सोच रहे हैं कि आगे जो रोड ट्रिप होने वाली है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है. सो वहाँ पे हम लोग बीच में फ़ोटोज़ खिंचवाने वाले हैं एंड एवरी थिंग. सो लेट मी जस्ट शो द प्लेस जहाँ पर हम लोग लंच कर रहे हैं. I'm having this chocolate thick shake from Shambhu's. यहाँ पे हमारे रूम्स है. दिस आर द रूम्स. सो वी विल गो इनसाइड एंड विल सी कि भाई रूम्स कैसे हैं. एम्बियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है बट स्टाफ लाइक दे आर नॉट एट फ्रेंडली मुझे ऐसा लगा. 7-1-1 हमारा रूम है. 7-1-2 एंड 7-1-4 आई गेस. And this is our room. It's so pretty. Here we have our bed, sofa, and this is the balcony. Let me show you the view. कितना अच्छा व्यू है यहाँ से. और यहाँ पे है बाथरूम. लेट मी जस्ट शो इट टू यू. बाय द वे कैन यू सी द मिरर, इट्स सो ह्यूज. सो हियर हैव बेसिन एंड शावर. So in this trip, I'm carrying this beautiful bag from Zoo
और उनके जो सारे बैग्स हैं दे आर अमेजिंग, मतलब कैन यू सी द प्रिंट ऑफ इट, इट्स ब्यूटिफुल. सो दिस इज़ देयर टोट बैग एंड इट्स सुपर स्पेशियस और ये सारे आउटफिट्स में अच्छे से मैच हो जाता है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू कैरी दिस बैग. और अगर हम ये बैग के मटेरियल की बात करें दैट इट इज़ हैंडमेड और उनमें जो भी मटेरियल उन्होंने यूज़ किया है बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो यहाँ पे ही आपको ये लेदर डिटेलिंग मिल जाएगी. So all these bags are cruelty free and they are PETA approved. So love the quality of this bag and you can use my coupon code jo aapko screen pe mil jayega and you will get extra 15% discount. Definitely check out their collection. I just loved it. Let me just show you ki iske andar kitna saman aata hai. And this is the bag, like बहुत सारा सामान मैंने यहाँ पे कैरी किया है. तो यू कैन यूज़ दिस लैपटॉप इन ऑफिस, कॉलेज, या तो फिर आप ऐसे कहीं भी टूर में जा रहे हैं एंड यू कैन डेफिनेटली यूज़ दिस काइंड ऑफ बैग. इट्स अमेजिंग, सुपर स्पेशियस और उनकी ये जो जिप की क्वालिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी. कैन यू सी दिस, इट्स सुपर स्मूथ. यहाँ पे अंदर भी एक जिप मिल जाएगी और पीछे भी आपको एक इमरजेंसी जिप मिल जाएगी. एंड हियर इज़ द लोगो. लव द क्वालिटी ऑफ इट. डेफिनेटली चेकआउट अगर आपको ऐसे ऑफिस के लिए बैग चाहिए ना, डू चेकआउट. आपको लैपटॉप बैग मिल जाएंगे, क्लचेस मिल जाएंगे, बहुत अलग अलग वेराइटीज़ आपको मिलने वाली है उनकी वेबसाइट पे. सो डू चेकआउट. सो आई चेंज माई आउटफिट इन टू दस. दिस इज सच अ प्रीटी येलो कलर मिनी ड्रेस. तो एक्चुअली मैंने अजियो से लिया था एंड आई एम कैरिंग द सेम बैग. जस्ट लव दिस बैग. इसका जो मटीरियल है बहुत ज़्यादा अच्छा है. बाय द वे इट्स जूट लेदर. लव इट. This is my OOTD plus OOTN. और अभी हम लोग जाने वाले हैं फतेह सागर लेक और वहाँ पे हम लोग डिनर कर लेंगे. I just love this outfit. It's so cute. तो अभी हम लोग आए हैं फतेह सागर लेक. तो यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं. स्पीड बोट भी है और ये वाली बोट भी है. तो अभी हम लोग बोटिंग करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ही हम लोग डिनर करने वाले हैं. सो सनसेट हो चुका है अभी, लाइक 5:45 हुए, सनसेट हो चुका है यहाँ पे. बट वेदर बहुत अच्छा है यहाँ पे, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है. अभी शाम का टाइम है. अहमदाबाद लाइक गुजरात साइड पर इतनी ज़्यादा गर्मी थी बट यहाँ पर वेदर बहुत ज़्यादा फ्रेश है. जा रहे हैं बोटिंग के लिए एंड दिस इज द मेन एंट्रेंस. डिनर वी केम टू संकल्प. एक्चुअली हमको डोसा खाना था तो फतेह सागर भी मिलते थे बट वी वॉन्टेड टू ईट इन संकल्प, तो हम लोग यहाँ पे आए थे. सो द फूड वॉज वेरी डिलीशियस. गुड इवनिंग एवरीवन. तो हम लोग अभी डिनर करके आए हैं रिसोर्ट में और हम सब ने चेंज कर लिया. तो अभी एक्चुअली यहाँ पे मैच चल रही है. तो कल सुबह हम लोग जाने वाले हैं बाहुबली हिल्स और उसके बाद हम लोग जाएंगे सिटी पैलेस ब्रेकफास्ट करने के बाद. और अगर टाइम मिला तो मे बी हम यहाँ पे पूल में थोड़ी देर नहाने के बाद ये सारे जो प्लेसेस हैं वो कवर करने वाले हैं. सो गुड नाइट, सी यू टुमारो मॉर्निंग.
एवरीवन. तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए जाने वाले हैं एंड आई विल शो यू द व्यू फ्रॉम आवर बालकनी. इट्स अमेजिंग. एंड दिस इज द मॉर्निंग व्यू फ्रॉम आवर बालकनी. इट्स ब्यूटिफुल. कितनी अच्छी यहाँ पे ग्रीनरी है एंड देर आर माउंटेन्स देयर. इट्स अमेजिंग. सो अभी हम लोग जाने वाले हैं ब्रेकफास्ट के लिए. तो यहाँ पे यही सिस्टम है कि अगर आपको कहीं पे भी जाना है ना, यू जस्ट हैव टू कॉल द रिसेप्शन और वो लोग यहाँ पे कैब भेजते हैं आपके लिए. द व्यू फ्रॉम बालकनी वॉज अमेजिंग. मतलब इतना अच्छा व्यू है ना, ब्यूटिफुल. तो यहाँ पे अनंता में क्या है, अगर आपको कहीं पे भी जाना है, लाइक आपको पूल साइड जाना है या तो फिर रिसेप्शन जाना है, आपको बस रिसेप्शन एरिया पे कॉल करना है, वो आपके लिए कैब भेज देंगे. तो कहीं पे भी जाना है ना, तो आपको चलने की ज़रूरत नहीं है, कैब आपके लिए आ जाएगी. सो दिस इज़ अ ग्रेट थिंग, क्योंकि ये रिसॉर्ट बहुत बड़ा है. अगर आप चल के इसको देखने जाएंगे ना, तो 2 या 3 दिन तो आराम से लग जाएंगे और थक भी जाएंगे. सो आई लव दिस सिस्टम. सो या अभी हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए. सो हियर इज द ब्रेकफास्ट. यहाँ पे आप आउटडोर भी बैठ सकते हैं और अंदर भी बैठ सकते हैं. तो वी आर गोइंग टू सिट इनसाइड, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है. बट बाहर बैठने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि लाइक इतनी अच्छी ग्रीनरी के साथ बहुत अच्छा लगेगा. और ठंडी हवा तो थोड़ी थोड़ी चल रही है, बट गर्मी तो. यहाँ पे सब जगह टैक्सी स्टैंड होता है ना, बस वैसे है. तो उन्होंने हमें बाहर तक छोड़ दिया. एंड हियर इज द पूल. तो अगर आपके पास कॉस्ट्यूम नहीं है, देन यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर. बट आपको यहाँ पे परचेज करना पड़ेगा एंड इट्स बिट एक्सपेंसिव. फॉर फीमेल इट इज़ अराउंड 850 एंड फॉर मेल इट इज़ अराउंड 550. सो आई फेल्ट इट्स एक्सपेंसिव, बेटर टू कैरी योर ओन कॉस्ट्यूम. वी आर एंजॉइंग इन द पूल. ब्रेकफास्ट के बाद सब लोग पूल गए और पूल में सब ने बहुत ज़्यादा मज़ा किया. अभी हम लोग आके रेडी हो गए हैं. तो अभी हम लोग जाने वाले हैं सिटी पैलेस और उसके बाद लाइक इन द इवनिंग विल गो टू बाहुबली हिल्स, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ट्रैकिंग जैसा है. तो विल सी. और हमारी एनिवर्सरी थी, इसलिए इन लोगों ने लाइक रिसॉर्ट वालों ने हमें कॉम्प्लीमेंट्री केक भी दिया है, विच इज़ सच अ स्वीट जेस्चर. सो लेट्स सी द केक एंड कट इट. एंड दिस इज द केक. तो हम लोग पहुंच गए सिटी पैलेस. तो यहाँ पे एक्चुअली कार्स लाइक प्राइवेट कार्स अलाउड नहीं है. हाय, आपको बस ऐसे रिक्शाज में आना होगा. और ये है सिटी पैलेस. तो हम लोग बस अंदर जाने वाले हैं. शॉपिंग अगर आपको करनी है तो आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं. पूरी लेन है शॉपिंग के लिए. एंड दिस आर द एंट्री चार्जेस. दिस इज द मेन गेट. Our guide, and this is the main entry. Ah, boss. Yes. Bye.
आप लोग फोटो लेते चलना, क्योंकि वन का एंट्री है, ठीक है। ये मेन एंट्रेंस है, 407 पुरानी मूर्ति है गणेश भगवान की, गणेश डूबी जेके का। दोनों का कांच का काम है, बैठे हुए लक्ष्मी की है, 75 साल पुरानी टाइल्स है जो आप लोग देखते हैं। 50 किलोमीटर दूर कृष्ण भगवान मंदिर है, रास्ते में एकलिंग जी शिव जी भगवान का मंदिर है, 1300 साल सर 1300 30। जैसे लोग पीछे से आए वीआईपी गेट से जहाँ पे राजा रहते हैं, 30 रुपीज़ दिया, और 300 रुपये जो आपने दिया पैलेस देखने। अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ महाराणा प्रताप के हथियार दूँगा। आप लोग हल्दी घाटी गए क्या? आप गए हल्दी घाटी? अभी नहीं। देखिए हल्दी घाटी का पैंटिंग या आपको समझाने के लिए आइडिया देंगे। करीब एक दिन तक युद्ध चला, 500 सैनिक उसमें मारे गए और युद्ध में राणा प्रताप की विजय। आप वहाँ पे घूमने जाएंगे तो वहाँ चेतक का समाधि है शिव मंदिर के पास में, चारों तरफ मिट्टी का कलर पीले रंग का, जैसे किसी ने हल्दी डाल दी उसी जगह, और गुलाब की खेती सबसे ज्यादा होती है। 18 जून 1574 हल्दी घाटी युद्ध हुआ, एक दिन तक युद्ध चला, 500 सैनिक उसमें मारे गए और युद्ध में राणा प्रताप की विजय। ये जयपुर के राजा मानसिंह लल्ला है, सेनापति वो कमांडर। हाथी को देखो, सूंड में तलवार है जिसने चेतक घोड़े का महाराणा प्रताप के घोड़े का पैर काट। घायल होते भी चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप को 3 पैर पर इससे बाहर ले जाता है। 22 फीट की चूड़ी नदी, चेतक घोड़ा 3 पैर पर जंप कर जाता है, एक पैर कटा हुआ होता है। तो ये है हाथीपोल मार्केट, इट्स अ स्ट्रीट शॉपिंग प्लेस। बट हाँ, एक प्रॉब्लम है, अगर आपको भूख लगे ना, आपको खाने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सारे क्लोथिंग आइटम सब कुछ मिल जाएगा। हम लोग पहुंच गए बाहुबली हिल्स। तो ये रीजन है, मतलब यहाँ पे आपको अच्छा खासा ऊपर चढ़ना है, और जो रोड है वो बहुत ज़्यादा अनइवन है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इसका जो व्यू है इट्स अमेजिंग, मतलब हम लोग तो अभी तक आगे नहीं गए, बट व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे भी। सो अगर आपको अच्छे फोटोज़ क्लिक करने हैं और अगर आपको सनसेट देखना है, देन दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस वन आउट। एंड दिस इज़ द व्यू, और बस ऐसे रोड्स हैं, आपको यहाँ से चढ़ना होगा। टेन टू 15 मिनट्स लगेंगे आपको चढ़ने में, बीच में अगर आप ब्रेक ले रहे हैं देन इट डिपेंड्स, बट हाँ चढ़ तो सकते हैं, वैसे इतना भी बुरा रोड नहीं है। And this is the view from top. It's beautiful.
फॉर डिनर वी केम टू सन एंड मून रेस्टोरेंट. तो ये सिटी पैलेस के पास है एंड इट इज़ लाइक लेक साइड व्यू. सो दिस इज द व्यू फ्रॉम टॉप. सो इट इज़ ऑन 6th फ्लोर. और हमारी रेस्टोरेंट के जो टॉप फ्लोर है वहाँ का जो व्यू है इट्स अमेजिंग. मतलब यू कैन डेफिनेटली चेक दिस रेस्टोरेंट आउट. और बाय द वे यहाँ पे जोमेटो प्रो भी है. सो यू विल गेट एडिशनल 20% ऑफ 50% ऑफ. बट द व्यू इज ब्रेथटेकिंग, लवली. और अच्छा अभी ठंडा ठंडा पवन भी चल रहा है. गुड इवनिंग एवरीवन. तो हम लोग अभी अभी फ्रेशन अप हुए हैं और रिसोर्ट पर आए. हम लोग डिनर किया. डिनर बहुत ज़्यादा डिलीशियस था. आप चाहे तो वो जोमेटो पर चेक कर सकते हैं. 4.2 या इतना रेटिंग था. फूड वॉज डिलीशियस. और कल हम लोग जाने वाले हैं आबू. ये एक हिल स्टेशन है. यहाँ से शायद 150 किलोमीटर जितना होगा. तो उसके लिए आपको वेट करना होगा क्योंकि वो पूरा पार्ट 2 में आने वाला है. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2. और अगर आपको पार्ट 1 अच्छा लगा हो और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें. एंड सी यू ऑल इन पार्ट 2 ऑफ दिस व्लॉग.